जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे हिमाचल में फिर से, जय राम को लाएंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। गलती करी है पंजाब वालों ने, गलती करी है, हम नहीं करेंगे। नहीं तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, फ्री हम नहीं चाहते हैं। सरकार नहीं बदलेंगे इस बार, रिवाज बदलेंगे। ये डाई बने ता सा कदी मनी मिलना, ओ हाय ओ पप्पू आ ते की जो पंगा ले। पप्पू मतलब राहुल गांधी की, तने क्यों पंगा ले लिया? हमारे बस की बात नहीं है, राजनीति छोड़ के कुछ और करें। आटा देखो किलो में होता है लीटर में होता है, तो पप्पू ही बोलना और क्या बोलना। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, पर मैनिफेस्टो में कितना दम है, जनता उस पर भरोसा करेगी या नहीं, आज उसी की पब्लिक ओपिनियन पर चर्चा करूंगी। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ तमाम सुंदर नगर के निवासी मौजूद है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। मैम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, 12 तारीख को चुनाव होने, आप किसे वोट करने जा रही हैं? मैं राकेश जम्वाल जी को, बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट को। कितना काम किया है राकेश जी? बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया है, और यहाँ जड़ोल में इतनी ज़्यादा पूरी कंस्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा काम हुए कि हम बोल भी नहीं सकते भी कितने ज़्यादा काम किए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे हिमाचल में फिर से, जय राम को लाएंगे हिमाचल में सबसे, जय राम को लाएंगे, जय राम जी आएंगे, जय राम जी आएंगे हिमाचल में फिर से, जय राम जी आएंगे राकेश जी को लाएंगे, राकेश जी आए हैं, राकेश जी आएंगे हिमाचल में फिर से हम कमल खिलाएंगे। अच्छा, आपने आप कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम जी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी आपके क्षेत्र में जो देवी देवताओं के मंदिर है उसमें विकास किया जाएगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, आपको भरोसा है चाहे वो चिंतपूर्णी? भरोसा है मैम। अंकल, क्या लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो और हिमाचल का विकास होगा? विकास होगा जी, होगा। इतने सालों से यहाँ पे है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ? ये ज्यादा कई कुछ विकास है, नहीं हुआ है। देखो जे मारे जे आता कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मोदी ने जे आता 60 साल तक पेंशन। कोरोना में कोई दिक्कत हुई आप लोगों को राशन? प्रधानमंत्री आज दिन तक हमने कोई नहीं देखा, हर आदमी को 6,000 एक साल में दे रहा है, हर महिला को घर घर में उनको गैस वगैरह उसका प्रावधान किया है, हर महिला की सुरक्षा बढ़ी है, कितने हिमाचल में कितने कितने जो है वो लागू की है जयराम सरकार ने, और सेंटर से भी हमारे को बहुत सुविधाएं मिल रही है, इसके लिए हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बुजुर्गों को जो पेंशन थी उसकी उम्र कम करके बुजुर्गों को 60 साल कर दी हुई है। पेंशन का जहाँ तक मुद्दा है, केंद्र सरकार की मदद के बिना कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाएगी, और जहाँ तक कांग्रेस की बात अगर हम करें तो राजस्थान में इन्होंने वादा किया था 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, वो अभी तक नहीं हुए, राजस्थान की हालत सभी देख रहे हैं। बाकी जहाँ तक केजरीवाल और दूसरे लोगों की बात है जो पेंशन की बात करते हैं, हिमाचल में फ्री बिजली, फ्री ये दे देंगे, फ्री वो दे देंगे, वो पंजाब में हमने देखा, दिल्ली में हम देख रहे हैं दिल्ली की हालत क्या है, तो ये सारे खोखले वादे हैं। बीजेपी जो बोलती है वो करती है, और बोलती वही है जो करती है। रोजगार का भी वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। रोजगार पिछले 70 साल में कितना मिला है वो सब देख रहे हैं। तो सुंदरनगर में मतलब आपको क्या लगता है किसका परचम लहराएगा? बीजेपी 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 के नाम, मतलब राकेश जी के नाम पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं या बीजेपी के नाम पे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट? राकेश जम्वाल। हाँ जी, लगता है नरेंद्र मोदी का जादू अब यहाँ पे सुंदरनगर में चल, मोदी का जादू है जी। हिमाचल में जयराम। अब मुख्यमंत्री के चेहरे पे संतुष्ट है एक बार फिर से जयराम? मैडम, हाँ जी मैडम, हम ये कहना चाहते हैं ना जी, जो कांग्रेस की नीतियाँ है तो वो तो खोखले वादे हैं जी,
कभी बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, और ना ही कोई छोटी मोटी समस्या जैसे गरीब आदमी के लिए रास्ते या कोई कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम में तो ये बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया हिमाचल प्रदेश में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, चलिए इस बार मान लिया जाए आम आदमी पार्टी रिवाज बदलेगा, लग रहा है रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं बदलेंगे इस बार, रिवाज बदलेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि संस्कृति रिवाज मत बदलिए, वो तो हर जगह डोर टू डोर कैंपेन बोलती रहे, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। यूपी ले लो, उत्तराखंड बदल रहा है, गुजरात इसमें सब, बिहार सब देख रहे हैं, गुजरात में कि जिस तरह से उत्तराखंड में काफी सालों के बाद जो रिवाज बदला है वो इस बार हिमाचल प्रदेश में भी होगा, रिवाज बदलेगा। युवा, आप युवा हैं, आपको भरोसा है बीजेपी? जी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपका ये जो सुंदर नगर है वो एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी की जीत होगी, पर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर नजर आ रही है, चाहे वो ओपिनियन पोल है। कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का तो नाम तक नहीं है, तो ग्राउंड में है नहीं, जीरो जीरो जीरो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए, बार बार कह रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है उनका, दिल्ली में गलती करी है, पंजाब वालों ने गलती करी है, हम नहीं करेंगे। मेरे अपने रिलेटिव पंजाब में बैठे हैं, वो हमने गलती कर दिया, आप हिमाचल में गलती, आप घोटाला में भी फंस चुके हैं। हाँ, वो उनका खोखले वादे हैं हर एक जगह, अब पंजाब का हाल देख लो आप, हम हिमाचल में नहीं ऐसा गंद फैलाने देंगे। केजरीवाल जी यहाँ बिजली फ्री करने के लिए उन्होंने बोला, तो मोदी जी ने, हमारे जयराम ठाकुर जी ने पहले ही बिजली फ्री 200 यूनिट फ्री हो गई यहाँ पर, और इसके लिए तालियां। पानी का बिल भी कोई, कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट फ्री, कोई नहीं नहीं देंगे, वो झूठे बात है। 125 में पूरा गुजारा है गरीब आदमी के लिए, गांव में इतनी काफी है, 300 यूनिट बिजली लेके क्या करेगा कोई। आज बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो स्कूल बच्चियां जाएंगी उनको साइकिल देंगे, कॉलेज वाले को स्कूटी देंगे, जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहेंगी उन्हें भी मैटरनिटी में काफी सुविधाएं दी जाएंगी, विवाह में भी मदद किया जाएगा, मतलब तमाम तरह के दावे, बहुत सारी योजनाओं उन्होंने लागू करने की बात कही है। आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो करेंगे? जी पूरा भरोसा है, पूरा पूरा विश्वास है। कहां 8,000 मकान, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि हर घर की महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए 1500 रुपए, हम ऐसे संतुष्ट हैं कि हर घर लक्ष्मी 1500 रुपए मिलने वाले नहीं है, तो इनके झूठे वादे हैं, कहाँ से लाएंगे 1500 रुपए। अच्छा, आप यहाँ की प्रधान है, 1500 रुपए का वादा कर रही है प्रियंका गांधी हर घर, जो महिलाएं हैं हर घर लक्ष्मी योजना के तहत, आपको भरोसा नहीं है उनपे? नहीं, भरोसा नहीं है। आप यहाँ की प्रधान हैं, क्या लगता है कितना आपने विकास किया और आगे क्या होगा? हम तो कर रहे हैं, आगे भी होगा, मोदी जी की सरकार आएगी तो करेंगे, मोदी जी की सरकार आएगी तो बिल्कुल आगे भी करेंगे। तो आप लोग टक्कर नहीं मानते हैं किसी से ना? बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है, सीधा सीधा साधा है, राकेश जम्वाल जी जिंदाबाद। हम जीते हैं फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, जीत हमारी निश्चित है, हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो विधायक हैं यहाँ से, उनका 5 साल का जो विकास था उस पे हम दोबारा जीत रहे हैं। आप तो कई नारे भी लगा रही हैं, अब क्या कहना चाहेंगी, मतलब जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हिमाचल में फिर से भगवा लहराए। अच्छा, मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी मैजिक मतलब इतना ज्यादा चल रहा है, आपको मोदी कितने पसंद है, मोदी का काम कितना पसंद है, मोदी मैजिक एक बार फिर से कैसे हिमाचल में चलेगा, क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी मतलब भारत में ही नहीं, पूरी विश्व में सबसे पहले हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री है, जिनको सारी कंट्री के जितने प्रधानमंत्री या कोई भी है सब मानते हैं, तो हम तो उनको इतना मानते हैं, इतना कुछ किया है मोदी जी ने भाई, मतलब तारीफ इतनी करें कितनी करें, अब कोई लफ्ज़ नहीं है तारीफ करने के लिए, लफ्ज़ से ज़्यादा है
क्योंकि उनकी हम तारीफ करते रहे। अच्छा, मोदी के साथ साथ योगी भी आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर्स हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ऐसे बड़े लीडर हिमाचल प्रदेश में पहुंचते हैं, वक्त देते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, योगी भी बहुत अच्छे हैं। अनुराग ठाकुर जी के लिए कोई मैसेज? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं अनुराग। कांग्रेस का कोई चेहरा आपको लगता है? दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। नीति है इनकी, ना कोई नेता है। कांग्रेस का काले धन के बारे में कुछ कहेंगे आप लोग? कुछ नहीं, झूठ। बाकी इनके स्विस बैंक में इतने सारे खाते हैं, 11,000 करोड़ रुपए तो राजीव गांधी के खाते में आज बिल्कुल इसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऐसी। तो हिमाचल में एक बार फिर से मुझे तो इतना ज्यादा हिमाचल लैंग्वेज समझ नहीं आता, पर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को इसका हिंदी में अनुवाद समझा देंगे जरा। पप्पू मतलब राहुल गांधी की, तैने क्यों पंगा ले लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है, राजनीति छोड़ के कुछ और करें। अच्छा, मतलब आप राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं? पप्पू बोलते आए, सब बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं। आटा देखो किलो में होता है, लीटर में होता है, तो पप्पू ही बोलना और क्या बोलना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि यहाँ पे लोगों की क्या कुछ राय है, ये लोग सारे सुंदर नगर के निवासी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पे एक बार फिर से कमल खिलेगा, इतिहास रचेगा, गजब का जोश और जज्बा इन लोगों में नजर आ रहा है। ये लोग खुद यहाँ के आम निवासी हैं, पर हर घर में जाकर खुद कैंपेन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, और विकास को लेकर ही वो एक बार फिर से बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। सुंदरनगर से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।